कर रहे थे, ऑप्टिकल कौन? इंस्ट्रूमेंट के कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने जाते हुए माइक्रोस्कोप किया था, और माइक्रोस्कोप के अंदर, प्लीज साइलेंस, माइक्रोस्कोप के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ओके, माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने किया, और इसके अंदर क्या गिवन है, फोकल लेंथ दोनों की गिवन है, ऑब्जेक्टिव की भी गिवन है और आई पीस की भी गिवन है, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है। लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब होता है कि दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस एल गिवन है, एल गिवन है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। माइक्रोस्कोप के दो केस थे, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड दूसरा इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन सा केस है, इसमें इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम यूज करेंगे हम, ये हमने बनाया था डायग्राम, और इसके अंदर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो ऐसा कब होता था, जब ये लेंस ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता था, और ये जो इमेज बनती थी वो इसकी फोकल लेंथ पे बनती थी, ताकि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये टोटल डिस्टेंस अगर मान लो एल है, टोटल डिस्टेंस अगर एल है, ये डिस्टेंस अगर एफ ई है, ये एल है, ये एफ ई है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस लेंस से इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा वी नॉट। वी नॉट मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस अगर एल है, ये अगर कितना है एफ ई है, तो इसके लिए ये इमेज का डिस्टेंस माना जाएगा, जो कि माइनस करके आ सकता है। यही किया कि ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज का डिस्टेंस क्या किया, एल में से एफ ई को माइनस किया, तो 15 आ गया। ये क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद नहीं वैसे, तो इसमें इसका पेज आगे पीछे लगे हुए हैं इसमें गलती से, तो अब एक पेज आगे है, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज से आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो वी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस माइनस करके 15 आ गया, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकालना है, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक। उसके बाद जब इमेज को इन्फिनिटी भी बनाना है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है और इन्फिनिटी वाले केस का अलग होता है। तो इन्फिनिटी वाले केस का ये फॉर्मूला, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, डी पता है और एफ ई पता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 70। तो मैग्नीफाइंग पावर में तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूलाज ही याद होने चाहिए और कुछ भी नहीं करना, आंसर आ जाएगा यहाँ से, राइट। मतलब सर, अगर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि वी नॉट, यू ई, वी ई, ये सारी चीज़ें क्या है, और दूसरा आपको साथ के साथ फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए, है इसमें कुछ नहीं अदरवाइज, फॉर्मूलाज बस कहाँ लगाना है, वो इतनी सी बात है, क्लियर यहाँ तक। और पेपर में पक्का आएगा, आज भी किसी स्कूल का पेपर था, शायद सेंट जॉन्स का पेपर था, उनके स्कूल में माइक्रोस्कोप का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आया है बनाने को, और दूसरा क्वेश्चन आया इसी शीट में से, इसी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया जो मैं तो पहले ही बताया था, बोर्ड के एग्जाम में से मैं वो पिछले 3 साल के पेपर लिख के लाया हूँ बेसिकली। मैं ये मैंने आपको पहले ही कहा था, टीचर सबसे पहले काम क्या करेगा, पिछले 2 साल के बोर्ड में क्या आया हुआ है, बस वही उठा के, और मैंने भी वही किया, बोर्ड में से जो मेन मेन चीज़ें थी और जो कंटेंट था एनसीईआरटी का, वो सारे शीट्स में डाल दिया। तो प्लीज़ माइक्रोस्कोप और ये सब टेलीस्कोप मत छोड़ के जाना। और 11 नंबर का ऑप्टिक्स आया उनके स्कूल में, कहा गया था 8 या 9 नंबर का, मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 11 नंबर से भी ऊपर एक्सीड हो सकता है, बहुत बड़ा ऑप्टिक्स है। तो प्लीज़ ये सब करके जाना, और आपके इसमें टेस्ट शेड्यूल में क्या, उससे सैटरडे को टेस्ट शेड्यूल है इसका, तो वो तो पक्का कंपल्सरी किसी भी हालत में लेना ही लेना है, एक एक बच्चे को बुला बुला के चाहे लेना पड़े, चाहे खुद फ़ोन पे बैठना पड़े पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। ऑप्टिक्स तो पूरा, और ऑप्टिक्स के अंदर एक एक चीज़ डालूंगा, 1.5 घंटे का टेस्ट लूंगा, जिसमें एक एक हर पार्ट की एक डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन पूरा पूरा, और 2 सेट में लूंगा, चांस ही नहीं है कि कुछ चीज़ मिस हो जाए। 11 के 11 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, 10 नंबर और क्या चाहिए, ठीक नहीं है। और जितना ज़्यादा, क्योंकि अब ये सीरीज ख़त्म होगी 3 4 दिनों में हमारी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव के ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी एक बार सब कोर्स एक बार रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव के ऊपर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव करने ईजी हो जाएंगे जितना ज़्यादा आपको सिलेबस याद रहेगा, ठीक। सो नेक्स्ट है, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। तो क्वेश्चन में गिवन है
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है, एम नॉट इंटू एम ए, ये गिवन है 20, और वाइल दैट प्रोड्यूस बाय आई पीस अलोन इज 5, सिर्फ आई पीस ने कितनी प्रोड्यूस की, 5. व्हेन माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 14. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस का मतलब क्या होता है, लेंथ. लेंथ कितनी है इसमें, 14. फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो फोकल लेंथ आपको निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ लीज डिस्टेंस 25 की बजाय 20 गिवन है. तो पहले एक चीज़ देखते हैं, एम गिवन है टोटल मैग्निफिकेशन, ओनली आई पीस की मैग्निफिकेशन गिवन है, लीज डिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल डी की वैल्यू 25 की जगह 20 गिवन है, और साथ में एक और चीज़ गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मतलब हम क्या चाहते हैं इसमें, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये बिल्कुल भी नहीं गिवन कि इस केस में इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, कहीं नहीं गिवन है इसमें. तो जब कुछ नहीं गिवन होता ना, तो हम ये मानते हैं इमेज इज फॉर्म एट लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन. इसीलिए वीई की जगह आई पीस की जगह यहाँ पर 25 की जगह 20, क्योंकि जो इमेज का डिस्टेंस होता है आई पीस का वो डी होता है हमेशा, माइनस डी, तो यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 20. तो अब इस केस में टोटल मैग्निफिकेशन अगर हमें पता है एम नॉट इंटू एम ई होता है, यहाँ से एम नॉट की वैल्यू एम डिवाइडेड बाई एम ई, एम आपको पता है 20, एम ई पता है 5, तो एक तो ये आंसर आ गया. फिर दूसरा केस है आई पीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करता है, तो आई पीस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1+D/FE होता है, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ये फॉर्मूला किया हुआ है. तो इसके अंदर आई पीस की मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं, लीज डिस्टेंस हमें पता है इसमें 20 है, तो यहाँ से एक आंसर तो आ गया, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ गई. तो आई पीस के लिए क्लियर हो गया यह केस. दूसरा है अब जो आई पीस की मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल है, V/U, क्योंकि मैग्निफिकेशन हाइट बाय हाइट भी होती है और मैग्निफिकेशन इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी होता है. तो आई पीस की मैग्निफिकेशन इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस. तो आपको इमेज का डिस्टेंस, तो लीज डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन ही गिवन है 20, 25 की जगह 20 यूज करना है. मैग्निफिकेशन आई पीस की हम निकाल चुके हैं 5, यहाँ से यू ई की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो फोकल लेंथ भी निकालनी है इसमें, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कितना गिवन है, 14 इस क्वेश्चन में गिवन है. तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप 14 है. अब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होता क्या है कि जैसे ये दो लेंस हैं, ये आपकी इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है, वी ओ, और ये डिस्टेंस क्या होता है, यू ई, या एफ ई होता है या यू ई होता है. एफ ई तब होता है जब इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, और यू ई कब होता है, वेन इमेज इज फॉर्म एट लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये डिफरेंस होता है फोकल लेंथ पे. अगर अगर ये जो इमेज बना रहा है इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा होगा एफ ई पे, तो इमेज तो इन्फिनिटी में बनेगी, और अगर नहीं पड़ा होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, और मेरे केस में इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बन रही. तो इसमें वी ओ और यू ई का सम का मैग्नीट्यूड कितना है, 14, और आप यू ई ऊपर से निकाल चुके मैग्नीट्यूड में 4 है, तो यहाँ से क्या आ गया, वी ओ की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, 10. तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये वैल्यू 10 आ जाएगी. अब आपको ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, या फिर L/-F0 जो हमने थ्योरी में किया था. तो इस केस में मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की 4 गिवन है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इसमें 14 गिवन है, यहाँ से F0 कैन बी कैलकुलेटेड. मतलब इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हो जिसमें FE, F0 और ये मैग्निफिकेशन हैं. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब सारे डायग्राम आपके माइंड में होंगे और सारे फॉर्मूलाज आपको याद होंगे. आपको इस शीट से आइडिया तो हो रहा है कि कुछ ऐसा पुट करते हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये सारे केस एक बार लिख के नहीं देखेंगे. ठीक, तो एक बार आपको ये सब करके देखना है तभी आपको समझ में आएगा. जो फ्राइडे का टेस्ट है आपका किस चीज़ का है चेक करना, फ्राइडे का एक बार चेक करना, शायद लॉज ऑफ मोशन तो नहीं है, वर्क पार लॉज, फ्राइडे को नहीं है, फ्राइडे को क्या लिखा है, बढ़िया हो गया दिखाना. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अगर फ्राइडे को कुछ नहीं है फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अगर कुछ नहीं है तो. अच्छा, गलती से रिओप्टिक सैटरडे को पेस्ट हो गया मुझसे, होना फ्राइडे को चाहिए था. एक काम करते हैं हम रिओप्टिक्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, शायद बेटर रहेगा, बेटर है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसे. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और न्यूमेरिकल्स को अलग कर देते हैं,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड न्यूमेरिकल्स को और बाकी ऑप्टिक्स को इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंजम्पशन जो होने वाली है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही ज़्यादा होने वाली है। या ऐसा कर लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिज्म अलग कर लो, दो अलग कर लो, वो बाकी जो लेंस मिरर और पहले वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस तीन अलग कर लो, ये ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, डन हो गया। तो फिर फ्राइडे को आपका जो टेस्ट है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रिज्म का नहीं होगा, बाकी ऑप्टिक्स का होगा। अब ठीक है, 50-50% हो जाएगा, तो आई होप कि अब थोड़ा बेटर बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी। अच्छे से करना, जल्दी कोई नहीं है, अभी है 2-4 दिन हमारे पास, तो दो पार्ट्स में लूँगा। सैटरडे को एक्स्ट्रा ज़रूर आना पड़ेगा आपको, लेकिन आई होप कि कर लोगे मैनेज। सैटरडे को एक बार आके और फ्राइडे को आके जो है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई इकट्ठा देना चाहे तो बता देना, मैं दोनों टेस्ट बना के रख दूंगा। इकट्ठा देना चाहे इकट्ठा दे जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे आपको ठीक लगता है। और बाकी लोग अगर पूछना चाहें पेपर में क्या डाला, पूछ लें, पूछ के भी दे दें। मैं क्वेश्चन सारे डालने वाला हूँ, चिंता मत करो, पढ़ के ही देना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े क्लियर ही नहीं होगा। ठीक, चलो ठीक, टेलीस्कोप से करते हैं। तो टेलीस्कोप के अंदर दो केस है हमारे पास, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब टेलीस्कोप में क्या होता है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला याद करना है मैग्नीफिकेशन का। और दूसरा टेलीस्कोप में व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला याद होने चाहिए, आखिरी वाला मेरे को लगता नहीं है, नोट कर लेते हैं, चाहिए होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज 100, तो मैग्नीफाइंग पावर 100 है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, एफ नॉट बाय एफ ए, रिलेशन आ गया एफ नॉट एफ ए का। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 101। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर आपके पास ये एक टेलीस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर ये एफ नॉट है और अगर ये एफ ई है, यानी कि ये इमेज कहां बनाएगा, जहां इसकी फोकल लेंथ है, तो इमेज कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो गई, एफ नॉट प्लस एफ ई। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस एफ ई आ गया, ये वैल्यू एफ नॉट की यहां पुट कर देंगे, एफ नॉट एफ ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है ये, पॉइंट समझ में आ रहा है, बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो इन्फिनिटी वर्ड बोल रहा है तो एफ नॉट प्लस एफ ई टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 100। टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ 100 है, एफ नॉट। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देखो इसमें इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज 105। तो यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर इमेज इन्फिनिटी में नहीं है, तो एफ ई की जगह क्या हो जाएगा, यू ई। तो इस केस में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस यू ई, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस एफ ई नहीं, एफ नॉट प्लस यू ई। तो टोटल लेंथ क्या होगी इसमें, 105। तो मुझे पता है एफ नॉट पता है, तो यहां से यू ई कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, तो आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगेगा। आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसमें यू ई की वैल्यू -5 हमें पता है, और जो इमेज बन रही है फाइनल वो आई पीस की बात हो रही है, तो आंख के पास लेंस इमेज कहां बनाएगा, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन -25। तो इस लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी एफ ई, तो एफ ई की वैल्यू आ गई। और ऐसी मैग्नीफिकेशन आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें सब कुछ गिवन है एक्सेप्ट, इसमें क्या निकालना है, यहाँ से एफ ई तो आ गया, सब कुछ गिवन है, और आपको क्या निकालना है इसमें, मैग्नीफिकेशन। तो कुछ नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मूला ही पुट करते जा रहे हैं, बस टेलीस्कोप में ये चीज़ें याद रखनी है कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस यू ई लेना है या एफ नॉट प्लस एफ ई लेना है, बस ये ध्यान से देखना है आपको, दैट्स इट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके बाद एक शीट आपको मिली है 112, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 112A112। तो रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर का जो टॉपिक है वैसे तो वेव ऑप्टिक्स की कैटेगरी में आता है, राइट? इसके प्रूफ अगर कोई देखना चाहे तो वेव ऑप्टिक्स की कैटेगरी में है, बट फिर भी क्योंकि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हमने कर लिए, तो प्लीज़ एक फॉर्मूला ही याद करना है, आपने कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंस लगा होगा, नीचे एक लिक्विड होता है,
ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लाइट जलती है माइक्रोस्कोप में, कुछ ऐसे एंगल बनता है रे का। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके, दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके अगर कोई मशीन देख सकती है, हम बोलते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर हाई है। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको एक दिख रही हैं, लेकिन अगर रिजॉल्विंग पावर, देखो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब बड़ा करके देखना, रिजॉल्विंग पावर का मतलब अलग अलग करके देखना। तो अलग अलग करके अगर कोई दिखा सके तो उसकी रिजॉल्विंग पावर हाई मानी जाती है। तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, 2 μ sin θ/1.22 λ। कोई ये ना पूछे 1.22 कैसे आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बड़ी लंबी स्टोरी है वेव ऑप्टिक्स की, उस चैप्टर में आता है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब क्या पता लगता है एक नंबर में यही आ जाए, राइट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बोर्ड वाले भी यही देते हैं, इसका प्रूफ नहीं देते, बस एक नंबर में क्वेश्चन देते हैं, राइट द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अगर आ जाए तो प्लीज ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला। और वैसे इसके आगे हम करेंगे, +2 में करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, इसके ड्राइव करने का तरीका भी बताऊंगा। जो रिजॉल्विंग पावर होती है, इसको डिवाइड किया, ये न्यूमिनेटर को μ sin θ को न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, बस ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि अगर न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ज़्यादा है माइक्रोस्कोप की, तो बताओ रिजॉल्विंग पावर का क्या होगा। अगर इसे इंक्रीज करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, बस ये याद होना चाहिए, बस एक फॉर्मूला याद करना है, दैट्स इट, खत्म। ऐसे टेलीस्कोप का फॉर्मूला याद रखना है, टेलीस्कोप का अगर डायमीटर ए है और ये एंगल डेल्टा थीटा है, रिजॉल्विंग पावर इज a/1.22 λ। तो इस केस में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है, डिफाइन टर्म रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, हाउ डज इट गेट्स अफेक्टेड ऑन, मतलब इंक्रीजिंग द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर मैं अपर्चर का मतलब ये साइज बढ़ाता हूँ, ए अपर्चर बढ़ाता हूँ, तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एक आंसर। दूसरा, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें फोकल लेंथ आई नहीं रही, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक। दो इसके आंसर्स हैं, ये मैंने इसमें लिख दिए, और इसी के साथ आपका +2 का सिलेबस होता है खत्म। ओह सॉरी, +1, वो एक्चुअली +2 का टॉपिक था ना, ऑप्टिक्स, आई एम सॉरी, ठीक।